जो आकाशवाणी जम्मू है मोहम्मद आसिफ लोधी ते आलम खान हकला ते खबर सुनो। मरकज ने रियासता ना कोविड-19 की टेस्टिंग में बाधो करन ते इसका फैलाव ना काट करन वास्ते कंटेनमेंट ते निका कंटेनमेंट जोन बनान वास्ते क्यों है। मुलक में इस वेला तोड़ी 7.3 करोड़ ते मता लोगों ना कोविड-19 ते बचाव का टीका लाया गया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कबायली बरादरी की भलाई बेहतरी की जरूरत पर जोर दितो है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पहलगाम को दौरा ला गए उत्श्री अमरनाथ यात्रा वास्ते की जा रही तैयारियों को जायजो लियो है। खबर की तफसील सन पहला आलम खान हकला। मरकज ने रियासत न की हुआ जब उत फौरी तौर पर सख्त इकदम चावे जित कोविड-19 का मामला में बाधो दर्ज की जा रही है। नाले मुतहरक मामला ते रोजमर्रा की अमवात न रोकन न यकीनी बनान वास्ते भी क्यों है। 11 रियासत ते मरकजी जेरे इंतजाम इलाका में रोजमर्रा का कोविड-19 का मामला ते अमवात में जबरदस्त बाधो दर्ज की जा रही है, जिनमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, दिल्ली, हरियाणा ते छत्तीसगढ़ शामिल है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने गुजश्ता दिहाड़े तमाम रियासत ते मरकजी जेरे इंतजाम इलाका का चीफ सेक्रेटरी पुलिस सरबराह ते सेहत सेक्रेटरी नाल एक आला सतह मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान इस गल पर गौर की कि हो जे दूजा ते तीजा दर्जा का शहरा के नाल नाल देही इलाका में भी कोरोना मामला में बाधो दर्ज की योग्य हुआ है। रियासत ने क्यों क्यों हुआ जेवे टेस्टिंग में लगातार बाधो करें। रियासत ने यो भी क्यों क्यों हुआ जेवे इस वबा ना अगर फैलन ते रोकन वास्ते कंटेनमेंट ते निका कंटेनमेंट जोन बनावे। मौजूदा वक्त में बादरिया कोविड मामला को नोटिस लेता मां काबीना सेक्रेटरी ने दस्यो जे इस वेला कोरोना मामला की बाधा की शरह 6.8% है, जेडी पिछले साल जून महीना मां 5.5% थी। मुलक में अजा तोड़ी 7,03,54,000 ते मता अफराद ना कोविड-19 ते बचाव का टीका लाया जा चुका है। मरकजी सेहत वजारत ने दस बजे मुलक में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,93,000 ते मता अफराद की टीकाकारी की गई है। इसके अलावा मुलक में कोविड-19 ते शफा या होने वाला मरीजों की शरह 93.36% हो गई है ते पिछले 24 घंटे के दौरान 44,000 ते मता मरीज ठीक हुए हैं। वजारत ने मजीद दस बजे अदन तुड़ी मजकूरा वबा ते 1,15,00,000 ते मता मरीजों ना अफाको हो चुको है। मुलक में इस वेला कुल मुस्बत मामला 6,58,000 ते मता मुतहरक मुस्बत मामला है, जरा कुल मुस्बत मामला की 5.32% है। मुलक में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस का 99,000 ते मता मामला बांधे आए हैं, जिस नाल हुन कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,23,00,000 ते मती हो गई है। वजारत ने दस बजे इस मुद्दत के दौरान 714 अफराद की मौत भी वाकया हुई है ते हुन तोड़ी पूरा मुलक में मजकूरा वबा नाल 1,54,110 अफराद की मौत हो चुकी है। भारतीय कौंसिल बराए तिबी तहकीक ने दस बजे पिछले 24 घंटे के दौरान मुलक की बख बख लेबार्टरियां में 10,46,000 ते मता कोरोना वायरस का नमूना की जाँच की गई है ते इस तरह हुन तोड़ी 24,69,00,000 ते मता नमूना की जाँच की जा चुकी है। हुकूमत ने तरजीह बुनियादा वर 45 साल से मती उम्र का अफराद ना ही कोरोना वबा का टीका लान की जरूरत पर जोर दिता हुआ है। हुकूमत को कहना है जे मुलक में 88% लोगों की मौत 45 साल की उम्र में हुई है। इस गल की जानकारी आज नीति आयोग का मेंबर डॉक्टर वी के पॉल की तरफों दी गई है। उन्होंने लोगों पर जोर दिता हुआ कि वे अपना आप ना टीका लवा गए नाल नाल समाजी फासला ना बरकरार रखन के जिम्मेदारी नाल निभावे ताजे या वबा एक ते दूजा अफराद तुड़ी ना पुज सके। उन्होंने वाजह की हुआ जे भारत में तैयार की गई कोरोना मुखालिफ दवाई पूरी तरह नाल महफूज है। पुंछ का डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत ने गुजश्ता दिहाड़े बिंबर गली चेक पॉइंट को दौरा पीओ नाले जिला इंतजामिया का सीनियर अफसर नाल एक मीटिंग की सदारत की। बिंबर गली जिला के अंदर दाखिल होने को अहम दरवाजो है। डिप्टी कमिश्नर ने उत किया गए इंतजाम को जायजो लियो नाले SSP पुंछ न क्यों के वे इस जगह पर हिफाजती इंतजाम मजबूत करें। उन्होंने CMO ते BMO मेंडर ना हिदायत की वे उन तमाम अफराद का कोविड टेस्ट करन वास्ते तिबी टीम तश्कील दें जिनने हाल ही में सफर की हुआ है। उन्होंने तमाम अफसरान ना हिदायत की जे वे कोविड SOPs पर सख्ती नाल अमल करावे। काबिले जिक्र है जे जिला पुंछ में हाल ही में फिर ते कोविड मामला में बाधो देखियो गयो है।
खादी ते देही सनती कमीशन KVIC ने कोविड-19 वबा के बावजूद वजीरे आजम रोजगार पैदा करने का प्रोग्राम PMEGP के तहत नौकरियां का मौका फराहम कराने में बेहतरीन कारगर्दगी को मुजाहिरो कियो है। माली साल 2020-21 जड़ो मुलक गिर तालाबंदी को शिकार हो है, उस दौरान KVIC ने वजीरे आजम का रोजगार पैदा करने का प्रोग्राम में 5,95,320 नौकरियां वास्ते 21,88,78,000 रुपया दिता गया है। साल 2020-21 में KVIC ने पूरा मुल्क में 74,000 ते मता प्रोजेक्ट कायम किया है। MSME का मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने KVIC की इस कामयाबी की तारीफ की है, क्यों वह जे मकामी नौकरियां नाल लखां लोगों की तर्ज जिंदगी बेहतर हुई है। KVIC का चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने इस कामयाबी ना वजीर आजम का नाम वसफ कियो है। इंतजामिया महकमा ते कानकनी बारे कमिश्नर सेक्रेटरी MK द्विवेदी ने जाते रोज अजय वे ते ब्रिगेडियर विजय सागर दामन की तरफों थिंक पॉजिटिव एंड बिग यानी मुस्बत और बड़ी सोच नामी एक किताब को इफ्तिताह कियो। इफ्तिताही तकरीब का मौका पर मुसन्नफ ना मुबारकबाद कहता वहाँ उन्होंने क्यों जे यह किताब मौजूदा कोविड-19 वबा के मुतलक बड़ी अहमियत रखे है, जिसना पढ़न नाल हमना इस वबा ते बचन वास्ते मतो कुछ हासिल हो सकेगो। उन्होंने यो भी जिक्र कियो जे मता लोग अपना कामकाज की वजह नाल जहनी दबाव को शिकार रह गए, दिमागी तौर पर बीमार रहे। गोजरी में ये खबर आकाशवाणी जम्मू ते नशर की जा रही है। खबरों का बाकी हिस्सा नाल मोहम्मद आसिफ लोधी। नायब सदर जमहूरिया M.V.K. Naidu ने कबायली बरादरी की तरक्की और भलाई बेहतरी की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी का लोग कुदरती चीजों का नाल लगाव रख है अपनी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हों को हमने कुछ सीखने की लोड़ है। जनाब नायडू आज भुवनेश्वर ओडिशा में उत्कल यूनिवर्सिटी की पंजाबी कन्वोकेशन नाल खिताब करता में बोल रहा था। इस सिलसिले में ऑल इंडिया रेडियो के नुमाइंदा ने दस्यो है कि नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ओडिशा में शेड्यूल ट्राइब ते शेड्यूल कास्ट की तहकीक बारे मरकज की एक तहकीक ते पतो लगो है कि ओडिशा में कोविड-19 वबा की वजह न SC ते ST तबका का लोग मता मतासर हुआ है। उन्होंने कहा कि कबायली लोग ज्यादातर कुदरती खुराक को इस्तेमाल करें, जिस नाल उन्होंने कोरोना वबा ते बचने में काफी हद तक मदद लभी है। नायब सदर ने यूनिवर्सिटी पर जोर दिया है कि कबायली लोगों की तरफों अपनी सेहत न बेहतर रखने वास्ते इस्तेमाल की जाने वाली कुदरती खुराक व तहकीक की जानी चाहिए, ताजे इन लोगों की मती तरक्की मुमकिन हो सके। नायब सदर जमहूरिया ने नौजवानों ने बदलाव की कुंजी करार देता हुआ उन्हें पर जोर दिया है कि वे मुल्क में समाजी बुराइयां दूर करने वास्ते अपना किरदार अदा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले के खमरा पहलगाम को दौरा ला गए। अमरनाथ यात्रा वास्ते की जा रही तैयारियों को जायजा लियो। दौरा के दौरान उन्होंने मुतलकिन की एक मीटिंग बुला गई। यात्रा ने बेहतर ढंग नाल चलान वास्ते की जा रही तैयारियों बारे तफसील नाल जानकारी हासिल की है। उन्होंने मुतलकिन ने हदायत की है कि यात्रियों वास्ते बाक बाक पड़ाएं और क्वारंटीन मराकज कायम किया जाए, ताजे मौजूदा कोविड-19 वबा ते मुतासर यात्रियों की शनाख्त हो सके। इस दौरान अनंतनाग का डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यात्रियों बारे हिफाजत खुराक तय पीण का पानी जैसी दूजी सहूलियात बारे तफसील दस्यो पालियो। बाद में जनाब कुमार ने यात्रियों का बेस कैंप नोनवान को चांचक दौरों की, जिस श्राइन बोर्ड का एडिशनल CEO ने यात्रा कैंप का कामकाज की जानकारी दी थी। इस मौके पर उन्होंने मुतलका अफसर ने हदायत की है कि यात्रा ना आसानी नाल जारी रखने वास्ते तमाम लोड़ता इकदाम चाहिए। जंगलात ते माहौलियात का मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हुकूमत आइंदा कुछ साल में 40-60 वाट का मामूली लाटुआ ना LED लाटुआ में बदलेगी। उन्होंने दस्यो है जे पिछला 6 साल में हुकूमत ने 6 बिलियन मामूली लाटुआ ना LED लाटुआ में बदलो है। जनाब जावड़ेकर ने श्री राम कालिक नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करता में कहा जे इस कदम नाल तवानाई की बचत की जा सकेगी। उन्होंने कहा जे भारत काबिल तजदीद तवानाई में सैर फहरिस्त मुल्क है। इस वेले मुल्क की काबिल तजदीद सलाहियत 136 गीगावाट है। माहौलियाती तब्दीली की अहमियत न उजागर करता हुआ वजीर मौसूफ ने कहा जे भारत माहौलियाती तब्दीली वास्ते जिम्मेदार नहीं है, तय तारीखी कार्बन अखराज में भारत की शराकतदारी महज 3% है, जबकि अमरीका को 3%, यूरोप को 3%, तय चीन को तकरीबन 20% इसमें हिस्सों है। उन्होंने कॉलेज कैंप न हरो भरो बनाने वास्ते एक मुकाबला को भी ऐलान किया। मरकजी बोर्ड पर सेकेंडरी तालीम यानी CBSE ने फैसलो किया है जे साल 2021-22 का तदरीसी साल वास्ते 9वीं ते 12वीं जमात तोड़ी का तालब इलम का नसाब में कमी नहीं की जाएगी। बोर्ड की तरफ नव नसाब जारी की योग्य है, जिसमें पिछला तदरीसी साल जड़ा बाब ते मौजू हटाया गया था उन्होंने 2021-22 का तदरीसी साल वास्ते बहाल कर दिया गया है। सरकारी जरिए ने दस्यो है कि नसाब में कमी मैच 2021 का बोर्ड वास्ते ली गई है।
पिछले साल CBSE ने COVID-19 वबा का तनाजर तलब इलम वरों दबाव घट करने वास्ते 9वीं ते 12वीं जमात का नसाब 3% कमी की थी, जिनाल तलब इलम ने घट योग्य नसाब पढ़ो है। इनका इम्तहान इस साल मई जून महीना में वेगा। जिला इंसामिया कठुआ की तरफों आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही खसूसी तकरीब आज अहतम पजीर हो गई है। कल श्रीनगर सरकारी डिग्री कॉलेज कठुआ में मनकद हुई अहतामी तकरीब में कठुआ का DDC नायब चेयरमैन रघुनंदन सिंह ने कठुआ का डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव भी मौजूद था। मारा जिला नुमाइंदा ने रिपोर्ट तोड़ी है कि इस दौरान जंग आजादी ते मुलक वास्ते कुर्बान होने वाली शख्सियत ना खराज अकीदत भी पेश की गयो। अवामी आउटरीच ब्यूरो ते इतला तो नशियात वजारत की तरफ लाई गई तस्वीर नमाइश को भी उन्होंने नुमाइनो कियो। मारा नुमाइंदा संघ कलकत्ता में डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल यादव ने इस तरह कियो। स्वतंत्रता सेनानी है उनको याद कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ ही पिछले 75 वर्षों में हमने क्या हासिल किया, हमने क्या उन्नति की, उसको भी हम अपने लोग हैं उनके सामने रख रहे हैं। हमारा PIB की तरफ से जहां इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से जहां यहां पर फोटो एग्जीबिशन लगाई गई बच्चों की जानकारी के लिए, सो दैट वो अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सके, बट उसके साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनकी भी उपलब्धियों को हम दिखा रहे हैं। आगे आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, मरकज ने रियासताना COVID-19 की टेस्टिंग में बाधोकरण ते इस फैलाव ना कट करन वास्ते कंटेनमेंट ते निका कंटेनमेंट जोन बनान वास्ते क्यों गए। मुलक में इस वेले तोड़ी 7 करोड़ 3 लाख ते मता लोका ना COVID-19 ते बचाव का टीका लाया गया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कबायली बरादरी के भलाई बेहतरी की जरूरत पर जोर दितो है ते लेफ्टिनेंट गवर्नर ते का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पहलगाम को दौरो ला गए उत श्री अमरनाथ यात्रा वास्ते की जा रही तैयारियों को जायजो लियो है। इसके नाली गोजरी में खबरों को यो बुलेटिन खत्म हुआ। Thank you.